हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर एकेडमी क्लासेस। एंड सिंस इट्स मॉर्निंग टाइम, सो आई वुड से टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय अमेजिंग व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, लाइक व्हाट इज टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड यूजेस ऑफ टेंस इन स्पोकन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन रिटन इंग्लिश। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज टेंस, टेंस किसे कहते हैं, इसको समझना काफी आसान है, काफी जरूरी भी है, काफी आसान भी है। इट्स अ पीस ऑफ केक, काफी इजी है। इसके डिफिनेशन पे गौर कीजिएगा, डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन सेज टू डू एनी एक्शन और करेक्टली यूज एनी वर्ब फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार किसी भी क्रिया का, किसी भी वर्ब का सही से यूज करना ही टेंस कहलाता है। यानी कि टेंस डिपेंड करता है क्रिया पे, किस पे डिपेंड करता है, टाइम और क्रिया पे डिपेंड करता है टेंस, राइट। यानी वर्ड पे जो आप एक्शन करते हो एवरीडे, उस पे हमारा टेंस डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी वर्ब को सही तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम यूज करते हैं तो वो टेंस कहलाता है, राइट। इसको समझिए सही से क्या कहना चाह रहा है। आई विल टेक एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज दैट अभी आप खा रहे हो, आप खा रहे हो और कोई आके आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मैं खाता हूं, या फिर ये बोलोगे कि मैं खा चुका हूं, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि अभी आप करंट प्रेजेंट में खा रहे हो, अभी आप खा रहे हो, तो ना चाहते हुए भी ये जो खाने का एक्शन है, क्रिया है, इसको बोलना पड़ेगा कि मैं खा रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में कोई चीज करते हो तो उसमें रहा रही लगता है, राइट। तो ये हो गया समय, और समय के अकॉर्डिंग किसी भी एक्शन, किसी भी वर्ड को यूज करना टेंस कहलाता है ना। इसी प्रकार इंग्लिश में अगर आप खा रहे हो, कोई आकर इंग्लिश में पूछता है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो आप क्या बोलोगे, आई ईट और आई हैव ईटन, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा आई एम ईटिंग राइट नाउ, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आई एन जी यूज करते हैं वर्ड के लास्ट में, वर्ड के साथ आई एन जी का यूज करते हैं, और हिंदी में रहा रही का यूज करते हैं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, राइट। इंग्लिश में आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग यू, इस प्रकार से। तो समय के अकॉर्डिंग किसी भी एक्शन, किसी भी वर्ड का यूज करना ही टेंस कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टाइप्स ऑफ टेंस। अब टाइप्स ऑफ टेंस को देखते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस को भी समझना काफी जरूरी है, काफी एसेंशियल है, बिकॉज जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कितने प्रकार के टेंस हैं, तब तक हम किसी भी वर्ब को, किसी भी एक्शन को उसके अकॉर्डिंग चेंज कैसे कर पाएंगे, तो ये जानना जरूरी है। सो टाइप्स ऑफ टेंस, हमारे पास तीन प्रकार के टेंस होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड वन फ्यूचर टेंस। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, टेंस टाइम पर डिपेंड करता है, और हमारे पास टाइम कितने हैं, यू नो वेल, हमारे पास तीन टाइम है, थ्री टाइम। एक समय जो चला गया पास्ट टेंस, एक समय जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और एक समय जो आएगा कहलाता है फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस में, तीनों प्रकार के टेंस में हमारे पास फोर मोड्स ऑफ एक्शन होता है। चार प्रकार से हम एक्शन को करते हैं, कोई भी एक्शन हो, खाना हो, जाना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, कोई भी एक्शन हो, हम फोर टाइप से करते हैं। यानी कि तीनों टेंस में फोर टाइप्स ऑफ एक्शन होता है। प्रेजेंट टेंस में आप देखिए, जब आप प्रेजेंट टेंस में देखेंगे तो इसमें फोर जो मोड है एक्शन का, वो है फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस फोर्थ मोड को समझिए, हम बढ़िया से आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज दैट आप इंग्लिश सीखने का काम करते हो, इंग्लिश आप सीख रहे हो, तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि वैसा वर्ड, वैसा एक्शन जो डेली बेसिस पे होता है, जो डेली बेसिस पे, या फिर आपका हैबिट हो सकता है, जो डेली बेसिस पे होता है उसको हम अपने अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश सीखने का जो जर्नी है, इंग्लिश सीख रहे हो, वो डेली बेसिस पे सीखते हो, डेली बेसिस पे उठते हो, सीखते हो, डेली सीखते हो आप एवरीडे, तो जो डेली बेसिस पे काम होता है, एक्शन होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
तो आप देखोगे कि डेली बेसिस पे क्या होता है, मैं उठता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, ता ते ती लास्ट में। सो जो डेली बेसिस पे होता है आपने फर्स्ट देखा। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड मोड क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये मोड कहता है कि वैसा वर्ग जो एट द मोमेंट अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, उसको हम अपने अंदर रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि आपका जो इंग्लिश सीखने का जर्नी है वो डेली ना होता हो, डेली आप नहीं सीखते हो सकता है केवल अभी सीख रहे हो। तो आप इंग्लिश सीख रहे हो, कोई भी काम जब आप कंटिन्यू द मूवमेंट करते हो उसमें कंटिन्यूअस का यूज होता है। और हिंदी में रहा रही देखोगे आप, और इंग्लिश में भर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, राइट। You are learning English, not you learn English. Present indefinite में you learn English और present continuous में you are learning English, right? और third mode देखिए, third mode है present perfect tense. Present perfect tense. Perfect का मतलब perfect खुद में है perfect. ये कहता है कि वैसा वर्ग जो complete हो चुका है, जो पूरा हो चुका है. Perfect equal to completed. वैसा वर्ग जो complete हो चुका है, उसको हम अपने अंदर रखते हैं. तो हो सकता है English सीखने का journey आपका पूरा हो चुका है. आप सीख चुके हो इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, आप इंग्लिश सीख चुके हो। यू हैव लर्न्ड इंग्लिश, यू हैव लर्न्ड, वैसा वर्ड जो कंप्लीट हो चुका है उसको हम परफेक्ट के अंदर रखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी मिलेगा। ऐसा क्यों समझते हैं, इंग्लिश सीखने का जो जर्नी है आपका, हो सकता है 2 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है और जारी रहेगा भी, कोई नहीं जानता है। तो इसमें देखेंगे आपकी इंग्लिश सीखने का जो जर्नी 2 साल से चल रही है, इसमें आप कुछ ना कुछ इंग्लिश सीख चुके होंगे। तो जो पार्ट आपने सीखा है वो क्या है, परफेक्ट कंप्लीट हो चुका ना, प्रेजेंट में आपने परफेक्ट कंप्लीट कर लिया कुछ पार्ट सीखने का, इंग्लिश सीखने का जो जर्नी था वो आपने कुछ सीखा, और हो सकता है अभी और कुछ सीख रहे हो इंग्लिश, है ना। तो इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है ना, कुछ इंग्लिश सीख चुके भी हो और अभी सीख भी रहे हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपने 4 मोड को बढ़िया से समझा, राइट। एंड जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस में 4 मोड है, उसी प्रकार पास्ट टेंस में 4 मोड होगा और फ्यूचर टेंस में भी 4 मोड होगा। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4-4 मोड, तीनों टेंस में 4-4 मोड होता है। आपने बखूबी समझा, आई होप कि आपको काफी बेहतर समझ में आ रही होगी, राइट। सो अभी तक आपने देखा टाइप्स ऑफ टेंस 3 प्रकार के, मोड्स ऑफ एक्शन 4 प्रकार के, यानी कितना हो गया हमारे पास टोटल, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइप्स ऑफ टेंस एंड 4 टाइप्स ऑफ एक्शन, 3 जा 4 12, 12 टाइप्स के हमें सेंटेंस क्रिएट होते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार के, 12 टाइप्स के एक्शन के साथ जो सेंटेंस होते हैं, 12 टाइप्स के हमारे पास क्रिएट होते हैं। कितने प्रकार के, 10 प्लस 2 12, राइट। सो अब इसको बारी बारी से समझेंगे कि कैसे कैसे यूज करना है, कैसे स्पोकन में यूज करते हैं, कैसे रिटन में यूज करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है वैसा वर्ग जो हम डेली बेसिस पे करते हैं या फिर आपका हैबिट हो सकता है, उसको हम अपने अंतर्गत रखते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। सो इसमें आप बोल के देखो कि किस प्रकार के एक्शन आते हैं, आप खुद बोल के देखो डेली बेसिस पे आप क्या करते हो। डेली बेसिस पे आप उठते हो, आप उठते हो, मैं उठता हूं, हम सब उठते हैं, वह उठती है, वह उठता है, फ्रेश होते हैं, आप फ्रेश होते हो, मैं फ्रेश होता हूं, ड्रेसअप करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और सो जाते हैं। ये हमारा डेली बेसिस का वर्क हो गया ना। या फिर कोई और आपका हैबिट होता है, आप क्रिकेट खेलते हैं एवरीडे, ये आपका हैबिट हो सकता है। सो जो डेली बेसिस पे होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट। सो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, बताइए, तो काफी इजी हो गया ना। आपको इतना ध्यान रहेगा कि जो डेली बेसिस पे होता है, जो किसी का हैबिट हो सकता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो लास्ट में क्या आता है भाई, लास्ट में आता है वैसा हिंदी का वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि लगा रहे हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। काफी इजी है ना, काफी इजी। सो आपने ये देखा,
और अब इसमें जितने भी वाक्य आते हैं उसको सही तरीके से और इजिली बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर को याद करना है आपको। स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तीन चीजें आते हैं, तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आप जानते हो किसे कहते हैं, करने वाला, जो वाक्य में करने वाला व्यक्ति है सब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले उस सेंटेंस में जब आप बनाओगे हिंदी वाले को इंग्लिश में, तो सबसे पहले क्या देखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिख देना या फिर बोल देना है। उसके बाद वर्ब, वो सब्जेक्ट जो है, जो आदमी है उसमें, वहां पर जो भी पर्सन है वो कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम वर्ब हो गया, लिखने का काम वर्ब हो गया, लिखना है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब यहां पे दो टाइप के, वर्ब वन भी लगता है, वर्ब फाइव भी लगता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब वन आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब वन आएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी वर्ब है सब वन ही होते हैं। तो सिंपल आपका बेस फॉर्म लगा देना है वर्ब का, जैसे कि मैं खाता हूं, आई ईट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी वर्ब है सब प्लूरल होते हैं, तो वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब को फाइव बनाना पड़ेगा। फाइव का मतलब अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दें तो वर्ब वन से वर्ब फाइव हो जाता है, राइट। तो मान लीजिए वह खाती है, एग्जाम्पल के लिए वह खाती है, तो वह सब्जेक्ट क्या हो गया, इज सिंगुलर सब्जेक्ट इज सी, तो सी ईट या फिर ईट्स, क्या हो जाएगा, सी ईट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को हमको सिंगुलर करना पड़ेगा, तो जब आप एस या ईएस जोड़ते हैं वर्ब में तो वो सिंगुलर होता है। सी ईट्स, आई ईट, दे ईट, दे ईट मैंगोस, आई ईट मैंगोस, वी ईट मैंगोस, एंड सी ईट्स मैंगोस, रामू ईट्स मैंगोस, जितने भी सिंगुलर होंगे सब में क्या करेंगे आप, एस या ईएस लगा देंगे वर्ड में, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना स्ट्रक्चर में। और अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो इंडिफिनिट टेंस के अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आते हैं, इसको समझते हैं। अभी तक आपने देखा टाइप्स ऑफ टेंस तीन प्रकार के, मोड्स ऑफ एक्शन फोर प्रकार के, एंड टाइप्स ऑफ टेंस अब देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम सिक्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं कोई भी मोड्स के अंदर, सिक्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं कोई भी मोड्स के अंदर। पहला होता है, आप देख पा रहे हैं सिक्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने सिक्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी लिखा है और स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है एंड एग्जाम्पल्स भी लिखा हुआ है। इसको बारी बारी से आप देखिए, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब वैसा सेंटेंस जो पॉजिटिव का भावना दे, केवल हां का, जो स्टेटमेंट आप लिखते हो अफर्मेटिव कहलाता है। सेकेंड नेगेटिव, वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं हो, नहीं का स्टेटमेंट हो, उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस जिसके साथ आप वी वन का यूज कर रहे थे उसके साथ लगाएंगे डू नॉट, नेगेटिव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और जिसके साथ आप वी फाइव का यूज कर रहे थे उसके साथ सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे समझना है, जब डू डज लगता है तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल हो सबके साथ वर्ब वन का यूज होता है। जब आप डू डज लगाते हो नेगेटिव फॉर्मेट में, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो सबके साथ वर्ब वन का ही यूज होता है, काफी इजी हो गया ना। थर्ड और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन पूछते हैं, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्या आप खाते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप दौड़ते हो, ये सारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। और इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज को बाहर कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भी देना है लास्ट में। एंड फोर्थ वन इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव वैसा क्वेश्चन, वैसा सेंटेंस जिससे जिससे क्वेश्चन में पूछ रहे हो और निगेटिव में पूछ रहे हो, इंटरोगेटिव निगेटिव उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज को बाहर निकाल लीजिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट को ही छोड़ दीजिए, प्लस वी वन, और सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव निगेटिव का। फिफ्थ वन डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, जिससे हम रीजनेबल क्वेश्चन पूछते हैं, वैसा क्वेश्चन जिसमें डब्ल्यू एच का वर्ड आता हो उसको डब्ल्यू एच
इंटरोगेटिव बोलते हैं। इसमें आप देखोगे कि साढ़े में आपको डब्ल्यू एच का वर्ड मिलेगा और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच वाले वर्ड प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें डब्ल्यू एच भी हो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में पूछ रहे हो और प्लस नेगेटिव में पूछ रहे हैं उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच वाले वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और एग्जाम्पल दिया हुआ है साइड में, आप एग्जाम्पल को देखिए सही तरीके से, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अब जो वीडियो आने वाली इसके बाद, मैंने अभी एक बैकग्राउंड आपको दिखाया कि टेंस क्या है, कितने प्रकार क्या क्या होते हैं सारे चीजें, और अब जो आने वाली है इसमें उसमें बात करेंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस करवा करवा के आपको, आई विल टीच यू राइट। तो आप बस इस चैनल के साथ बने रहिए और फिर देखिए सीखने में कितना मजा आता है हर एक चीजें। और जो भी डाउट हो, वॉट एवर डाउट यू हैव, यू जस्ट यूज द कॉमेंट बॉक्स एंड राइट वॉट एवर डाउट यू हैव, I will be there to assist you, to help you out. Feel free. Okay? So, till then, take care. Bye-bye. We will meet in next video. Jai Hind, Jai Gyan Sagar.